मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि पराठे का आटा अलग होता है क्या। जी बिल्कुल, हम रोटी का आटा नरम लगाते हैं और हमें पराठे का आटा बिल्कुल नरम नहीं रखना है। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ठंडी में सबसे ज्यादा खाए जाने वाले पराठे, जो आप ढाबे पर देखते हैं ना, जबरदस्त आलू भरे पराठे, वैसा ही तरीका बताने वाली हूँ। पहले ही बार में परफेक्ट बनेंगे, ना आपके पराठे सख्त होंगे और ना आलू का मसाला चिपचिपा बनेगा। ऐसी ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ। हम मसाला भी कुछ डिफरेंट टाइप बनाने वाले हैं और मैं पराठे फोल्ड करने के 3 तरीके भी बताऊंगी। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप बना सकती हो। उसमें से 2 तरीके तो आपको पता ही होंगे, शायद एक ही आपके लिए नया होगा। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आटा गूंथेंगे। हम बड़े से बाउल में 2 कप आटा लेंगे, 2 चम्मच बेसन का आटा लेंगे। बेसन का आटा डालने से पराठे में करारापन आएगा और टेस्ट भी जबरदस्त आएगा। टेस्ट टू सोल्ट। 2 टीस्पून जितना मोयन डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। नॉर्मल पानी से आटा गूंथ लेना है, मतलब कि गर्म पानी से नहीं, मटके के पानी से। आटा ज्यादा सख्त नहीं लगाना है। देखिए आटा गूंथ कर रेडी हो चुका है। कुछ इस तरह से आटा गूंथना है, ये ज्यादा सख्त नहीं है। ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे ताकि आटा थोड़ा फूल जाए और हमारे पराठे भी बिल्कुल रुई जैसे नरम बने। आटा रेस्ट कर रहा है, तब तक हम मसाला बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे 5 आलू लिए हैं। आलू उबालते समय भी हमें खास ध्यान रखना है। कई लोग क्या करते हैं कि जब भी आलू उबालते हैं ना तो पानी ही ज्यादा डाल देते हैं, पानी में आलू को पूरा डुबा देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आलू उबालते समय आलू का 1/4 हिस्सा ही पानी में डूबना चाहिए। आलू ज्यादा गर्म हो तब हमें उसे मैश नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से मसाला चिकना हो जाएगा। ये देखिए आलू थोड़े ठंडे हो चुके हैं, तो हम आलू को छीन लेते हैं ताकि मसाला में गुठली ना रहे और पराठे बेलते समय कोई दिक्कत ना आए। आलू छीन कर रेडी है, अब उसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। कढ़ाई में हम 1 टेबलस्पून तेल ले लेंगे, ज्यादा तेल नहीं लगेगा। तेल हो चुका है, उसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग, 7 से 8 कड़ी पत्ता, 1 कटी हरी मिर्च, 1/2 टीस्पून अदरक। अदरक हम थोड़ा ज्यादा डालेंगे, अदरक का फ्लेवर पराठे में अच्छा आता है। 1 टीस्पून तिल डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो उसमें कूटा खड़ा धनिया भी डाल दीजिएगा, पराठे का स्वाद और भी बढ़िया आएगा। अब डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। वैसे हमने हरी मिर्च डाली हुई है, ये सिर्फ अच्छे से कलर के लिए डालना है। 1/4 टीस्पून गरम मसाला डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब बारी हमारे छीने हुए आलू की, तो आलू को डालेंगे। 1 टेबलस्पून जितना हरा धनिया, 1 टीस्पून चीनी। चीनी डालने से पराठे में मिठास आएगी, आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। टेस्ट टू सॉल्ट। 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर डालकर अच्छे से मिला दीजिए। अच्छे से मिक्स हो गया है, तो रेडी है एकदम टेस्टी और मसाले से भरपूर आलू पराठा का मसाला। उसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। आटे को हमें बहुत ही ज्यादा मलना नहीं है, उसमें से हम बस 1 लुहाई उठाएंगे और राउंड राउंड करना है। हमने जो आलू का मसाला बनाया था ना, वो ठंडा हो चुका है, उसका भी हम लोहे की साइज का 1 बॉल जैसा बना लेंगे। हमने जो आटे का बॉल बनाया था ना, उसको हाथों से ऐसे कप शेप में कर लेंगे। और बीच में मसाला का बोल रखेंगे। बाद में आटे को बाहर की तरफ खींचेंगे और मसाले को अंगूठी की मदद से अंदर की तरफ धकेलेंगे। और ऐसे बंद कर देंगे।
और फिर से बॉल बना लेंगे। आटा मन लगा के जितना हो सके उतना हाथों से बेलने की कोशिश करेंगे और फिर हल्के हाथों से बेल लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से पूरे पराठे में आलू का मसाला फैल गया है। ये मसाला दिख रहे हैं ना बाहर, वो जब हम पराठा सीखेंगे ना तब साथ ही साथ आलू भी सीखेगा तो उसका स्वाद और भी बढ़िया आएगा। अब हम दूसरे तरीके में क्या करेंगे कि दो बॉल बनाएंगे, दोनों बॉल को थोड़ा थोड़ा बेल लेंगे। चम्मच की मदद से एक पूरी पे अच्छे से मसाला लगा लेंगे, ऊपर दूसरी पूरी लगाकर ऐसे पैक कर देंगे। जब हम बाजरे की रोटी बनाते वक्त करते हैं ना बिल्कुल वैसा करेंगे। आटा मन लगा के उसे भी हाथों की मदद से हो सके इतना बेल लेंगे, बाद में बेलन की मदद से हल्के हाथों से बेल लेंगे। तीसरे तरीके में हम पूरी तरह रोटी ही बेल लेंगे और ऐसे बीच में से लेकर एंड तक एक कट लगाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से मसाला रखेंगे। अब ध्यान से देखना कि किस तरह से मैं आलू का मसाला रख रही हूँ। किनारियों को छोड़कर हमें ट्रायंगल शेप में मसाले को रखना है और ऐसे ऐसे फॉलो करते जाना है। बिल्कुल समोसे आकार में तैयार होगा। ऐसे ऐसे करके फिर से उसे राउंड शेप में कर देना है। उससे भी दोनों की तरह ही बेल लेंगे। और हाँ एक बात तो मैं आपके साथ शेयर करना ही भूल गई, हाथों की मदद से बेलने से मसाला अच्छे से पूरे पराठे में फैल जाएगा। देखिए ये भी रेडी हो चुका है। अब हम तीनों को सेक लेंगे। गैस पर हमने तवा रख दिया है, तवा गर्म हो चुका है। अब पराठा डाल देंगे, एक तरह थोड़ा हो जाए बाद में हम पलटेंगे। देखिए ये हो चुका है, उस पर हम अच्छे से तेल लगा लेंगे। तेल लगाने में हमें कंजूसी नहीं करनी है। जो आप डाइट करते हो ना तो दूसरे दिन पूरी तरह भूखा रहना, लेकिन आज के दिन ये पराठे दबा के खाना। देखिए अच्छे से दोनों तरफ से सिक गया है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। पराठे को प्लेट में निकाल देंगे। आप पराठे को बटर, लस्सी, अचार, दही, चाय, आम का मुरब्बा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो। आपके पराठे हमेशा अच्छे और परफेक्ट ही बनेंगे।